गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि निकू ने जो है अपना ड्रेस जो है कैसे लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये शर्ट है, ये नीचे शॉर्ट है, हाफ पैंट है, सॉक्स लगी हुई है, और वहाँ उसने जो है अपना बैग भी और आज उसने अपना बेड भी लगा लिया है। अभी तो फ़िलहाल वो नहाने के लिए गया है, वो आती हो तो आता है तो मैं दिखाती हूँ उसका एक्साइटमेंट, मतलब बोलते हैं जो है ना, ओवरलोडेड है वो। ये निकू का जो है ब्रेकफास्ट हो गया है, उसे अभी दे देंगे, अभी वो तैयार हो रहा है। और ये मैं पीले आलू जो है अभी बनाने जा रही हूँ और पराठा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। अभी 6:30 हो रहा है और निकू यहाँ पर जो है वो अपना नाश्ता कंप्लीट कर रहा है, जो मैंने अभी बनाया है। बनाया क्या मतलब, जो है रेडीमेड ही दिया है, दूध दिया है। मम्मी बोले 6:30 हो रहा है। हाँ, 6:40 हो रहा है। मैं किचन में जो हूँ ना, मुझे ध्यान ही नहीं रह रहा है कि कहाँ है। मैं जल्दी जल्दी से जो है काम कम्प्लीट कर लेती हूँ। और नन्नू जो है उस रूम में चुपचाप सो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल रही हूँ, नन्नू और उसके पापा। तो चले जल्दी से इसको तैयार करके इसको लेके चलते हैं बस स्कूल पे, बस स्टॉप पे पहले जाएंगे। ये पीले वाले आलू तो तुमको पसंद है ना? अब इसमें सॉस डाल लूं? हाँ, सॉस डाल लूं थोड़ा सा। क्लोज तो गाइज, मम्मा ने सोचा था कि मम्मा और मुझको लेके चली जाएगी और नन्नू को यहाँ पे छोड़ देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पापा उठ गए और उसके साथ मम्मा भी, सही नन्नू भी उठ गई है। तो इसी वजह से अब नन्नू भी उठ गए तो अब हमें उनको उसको ले जाना पड़ेगा। और पापा को भी कुछ काम है तो वो चले गए कहीं और मुझे छोड़ने की जगह, मतलब जॉगिंग पे गए हैं, मेरा यही मतलब है। और ये नन्नू अभी तैयार हो रही है। अच्छी लग रही है नन्नू, अच्छी लग रही है। चलो, 7:15 हो रहा है, 5 मिनट ये शायद घड़ी आगे है। नहीं, मेरे को चलो बॉटल ले लो, उठा लो। और हम लोग से पहले जो है वो
नन्हा बच्चा जो अभी कुछ मिनट पहले सोया हुआ था, गेट सेट रेडी टू गो। बैग भारी अभी थोड़ा सा लगेगा। चलो बाहर निकलो, मास्क ले लिया है ना सारा की? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नन्हू हेलो करो। तो गाइस, आपने गाइस एक और ब्लॉग देखा था, मैं क्रिसमस में जब स्कूल जा रहा था, अब मैं गाइस जा रहा हूँ स्कूल वाला स्कूल, वो क्रिसमस वाला स्कूल नहीं, स्कूल वाला स्कूल क्या, फिफ्थ क्लास जा रहे हो नया, और क्या। हाँ नन्हू हाय बोलो बेटा, गाइस को हाय बोलो, फ्रेंड्स को हाय बोलो। नो डोंट, नो नो नो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये तुम्हारा 60। अच्छा आंटी भी आ गई, देखो तुम एक्साइटेड हो जाने के लिए। यस, बहुत एक्साइटेड हूं। एक मिनट। अच्छा नन्नू, दौड़ दो तुम्हारी ने। बाय, उत्कर्ष देख ही नहीं रहा, देखो बाय कर रहे हैं, देखो 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 देखो। निकू स्कूल से आ चुका है, हेलो करो निकू। और हालत देखिए इसकी क्या है, फर्स्ट डे स्कूल। बैग मैं ले रखी हूँ लेकिन इनको दिक्कत हो रहा है, देखिए देखिए जूते क्या चीज़ प्रॉब्लम है। नन्नू भी देखो मस्ती से चल रही है भैया का बॉटल लेके। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं अपना, मैं अपना तीन पेन लेने, और वो तीनों पेन का नाम है ब्लैक पेन, जेल पेन, वॉल पेन। भले मुझे इन दोनों का नाम तो नहीं पता, ब्लॉक बेल जेल पेन और वॉल पेन क्या भी हो गए, बट जब हमारा स्कूल खुल रहा था और मुझे नोटिस आया था, मुझे ये बोला था ये दोनों पेन लाना है। अब मुझे ये नहीं पता इनका यूजेस क्या है, बट लाना है। अब मैम बताएंगे धीरे धीरे क्या यूज है। स्कूल से आया नहीं, थक के चूर था जैसा कि आपने देखा ही, और अभी तुरंत होते ही लंच किया है और बोला है कि मुझे वो पेन चाहिए, मतलब अर्जेंट बेसिस पे। मतलब आज फर्स्ट डे स्कूल था और आज से शुरू हो गया। और बिटिया को देखिए, वो सबसे आगे, वो सभी से आगे, हम लोग इधर है वो। चलो निकू चलते हैं। नन्नू मिल गया पेन, पेन तुम्हारे कौन कौन से हैं? ये वॉल पेन, और ये जेल पेन, और ये है ब्लैक पेन। ठीक है, हैप्पी। मुझे ये नहीं पता वॉल पेन और जेल पेन का काम करता, बट मैंने मुझे इधर है। गाइस ये देख, अब मैं इनको अनबॉक्स करने जा रहा हूं लिटरली। अरे नहीं नन्नू, एक डब्बा तो दे दो उसको। क्या डब्बा देते हैं, चलो उससे पहले हम लोग एक पेन ही निकाल देते हैं। हैप्पी लो, जाओ खेलो। तो गाइस मैंने जेल पेन का निकाल लिया, और ये गाइस हमारा जेल पेन, इस साइड रेड है नहीं पिंक है, ये कॉर्नर और ढक्कन, और बाकी इसका शरीर ब्लू है। उसे खोल कर देते जन्ना बुन्ना, अभी आप देख सकते हो कैसा है। नहीं जूम कर रहा। नेक्स्ट, और ये है हमारा वॉल पेन होता है, और इसकी असल में अभी निबल लगी हुई है, पता नहीं दुकान वालों ने बाकी में से जेल पेन का निडल ये डाला हुआ था ये अंदर डाला हुआ रहता इसका, बट जेल पेन का डला ही नहीं है। अच्छा ठीक, चलो चलो अब ये हमारा आखिरी पेन है जो कि है ब्लैक पेन। तो अब मैं इसे खोल जन बनी बनी चली कटी कटी, तो खुल गया, और मुझे इसका टेस्ट करने के मुझे पे कैसा लग गया। 3, 2, 1 गो। ओ भाई साहब कितना प्रो, बोलो प्रो, प्रो क्या बोलते हो, ओप्पो, ओप्पो। अच्छा ओपी, ये यहीं बैठ गया है अनबॉक्सिंग करने के लिए। एक्चुअली ना नन्नू जाना ही नहीं चाह रही है, तो मैंने भी बोला कि ऊपर लेके नहीं जाती हूँ, यहीं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। गाइज आपने देख ही लिया निकू का क्या हाल था आज फर्स्ट डे। जब 2 साल के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही आएगा। वो मतलब लिटरली वो उठ ही नहीं पा रहा है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। बस में बैठ के गया, बस से आया, और वहाँ भी स्कूल में बैठा रहा, फिर भी वो थक गया है।
तो चले कोई बात नहीं, ये था आज का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था। ये छोटे छोटे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि जो है मैं सोचती हूँ कि आप कहीं बोर ना हो जाए, इसीलिए अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबको जो है वो बाय।